हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज तो बहुत काम है, आज पूरा पैकिंग भी करना है, आज इतने सारे काम, प्रेस के कपड़े लेके आना है, फिर मार्केट जाना है, मार्केट से नाश्ता वगैरह लेकर के आना है, फिर मेरी पैकिंग करनी है, घर को भी आवर उवर करके रख देना है, जो सामान फ्रिज में रखना है वो फ्रिज में रखूंगी, जो बाहर रखने का है वो बाहर रखूंगी, सब आज फटाफट निपटाती हूँ। काम कैसे होता है देखते हैं आगे, आप मेरे वीडियो में बने रहें। सबसे पहले तो गर्मा गर्म चाय पीऊंगी और उसके बाद बाकी के काम करूंगी। मेरी बन रही गरम गरम चाय, अभी चाय पी के फिर फटाफट, आज बहुत काम है। अभी मेरी बन रही गरम गरम चाय चाय पीऊंगी, उसके बाद प्रेस के कपड़े लेकर के आऊंगी, फिर बाहर जाऊंगी और नाश्ता वगैरह लेकर के आऊंगी। तो सबसे पहले अभी पीते हैं हम चाय। आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, ठंडी भी लग रही है। चाय पीने के बाद ही थोड़ी एनर्जी आती है काम करने की मुझे। सुबह मॉर्निंग में तो चाय चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही कुछ काम होता है। आज सच में टेंशन आ रहा है, इतना काम है। इंदिरा आ जाए, कल इंदिरा नहीं आई थी तो काम भी ज्यादा है, आज इंदिरा आ जाए तो अच्छा है। प्रेस वाले भैया भी इतना परेशान कर देते हैं, अभी कपड़ा कर लेने गई, अभी तक, अब आज ही कपड़ा प्रेस कर लाना है, फिर आज ही पैकिंग भी करनी है मुझे। कहीं भी जाओ बाहर का तो इतना टेंशन आता है, जब तक के ट्रेन में बैठ ना जाओ तब तक वो अजीब सा लगते रहता है। आप लोगों के साथ भी होता है क्या ऐसा? बस में, ट्रेन में, कहीं भी कब जाना हो तो जब तक पूरा अच्छे से हो ना जाए तब तक ऐसा ही लगता है। मेरी आँख कितना अजीब, अभी मेरी 3-4 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है और आँख भी अजीब लग रहा है बहुत, पता नहीं क्या हुआ है। तो अभी तो मैंने वो एप्पल का आता है एनर्जी वाला, वो भी मंगा के पी रही हूँ, फिर भी ऐसे वीकनेस बहुत लग रहे हैं और आँख भी अजीब लग रही है। चलिए फिर मैं चाय पी करके आप लोगों से मिलती हूँ। आज मैं अब पूरा मॉर्निंग से नाइट तक का आपको मैं अपना रूटीन दिखाऊंगी। चाय भी मुझे आजकल ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इतना मैंने छोड़ ही दिया। आज जितने कपड़े हैं वो भी वॉश कर लेती हूँ तो शाम तक के सूख जाएंगे, सब रख दूंगी मैं, तभी मशीन लगा देती हूँ पहले, जो सबसे पहले सुबह। तारीख है 28, अब भी यशु का फोन आया कि मम्मी टिकट कंफर्म हो गया है। और ये इंदिरा का तो हमेशा का, अब मुझे बताने में भी आप लोगों को शर्म आती है कि जब भी मेरे को कहीं जाना हो तो वो नहीं आती और पैसे पहले के पहले लेके चली जाती। कपड़े अभी तक के नहीं आए हैं, इतने काम है और ऊपर से इसका ये टेंशन, 11:30 बज गए अभी तक आए नहीं है। और उसकी वजह से क्या होता है, मैं बाहर भी नहीं जा पाती, मतलब वो कभी भी आती 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तो आएगी आएगी आएगी, ये देखते रहो और बाहर का भी काम रुक जाता है और
और घर का भी काम रुक जाता है। चलिए करना तो है। अभी मैंने क्या क्या ले जाना है वो सब निकाल करके जो घर पे है वो रखी हूँ। फिर अभी प्रेस के कपड़े आएंगे तो फिर से डालूंगी। अभी ये खाने पीने का भी सामान अभी लेके आना है जो घर पे, जैसे नींबू का अचार, बेर, ये वर्मासेली राहुल को पसंद है तो वो सब मैंने निकाल करके अभी रखा है यहाँ पर। सूटकेस वगैरह रखी है, ये नेहा बैग मंगाई है तो ये सब मैंने ऐसे निकाल करके अभी रख दिया है। फिर अभी एक साथ में पैकिंग शुरू करूँगी। अभी सबसे पहले तो मैं पूजा करके उठी। अभी मैं थोड़ी सी चाय पीती तो दिमाग काम करेगा। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 28 जनवरी। अभी मेरे को मुंबई जाने की तैयारी कर रही, मैं आज ही मुंबई जाना है और आज ही मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं प्रेस वाले को कपड़े दी थी वो दिया नहीं था। आज का दिन तो इतना बेकार कि मैं, ये देखिए ये सूटकेस में लेके आई अभी पैकिंग करने के लिए। आज इंदिरा मैडम भी कल भी नहीं आई और आज भी नहीं आई, जबकि बर्तन वगैरह मतलब अपन जा रहे तो ऐसा लगता कि घर को पूरा व्यवस्थित करके जाए, फिर बर्तन वगैरह सब करने पड़े। उसके बाद मुझे नाश्ता लेने के लिए भी जाना था, वहाँ गई तो वहाँ पे कुछ भी मेरे मन पसंद का नाश्ता मिला नहीं, फिर वही कॉम्प्रोमाइज़ करके लेना पड़ा। अभी मैं इसका लेबलिंग वगैरह सब हटा रही हूँ और इसमें मैं अभी कपड़े भरूँगी। दे देते तो हैं कि चल मतलब आज भाई का दिन पता अभी नहीं मेरे कैसे, को जो सब नाश्ता काम, लेने गई वो बाहर नाश्ता का भी भी नहीं काम मिला, है, दवाई इंदिरा वगैरह भी और कुछ नहीं लानी आई, है। ऐसा सब हो रहा है। चलिए पैकिंग शुरू करती मैं। भर रही हूँ फिर इसमें से मैं अभी कम करूँगी। मैं जैकेट वगैरह भी रख ली थी फिर निकाल दी मैं कि ठंड तो होगी नहीं, और होगी भी तो राहुल का मैं पहन लूँगी। इतना सब सामान ले जाती नहीं करके क्योंकि सूटकेस बहुत हैवी हो रहा था, तो फिर ये सब लेगिंग्स और ये जैकेट बहुत आधे सामान मैंने इसमें से फिर बाद में कम कर दिए क्योंकि अभी प्रेस से कपड़े आने थे वो भी रखने थे, कुछ कुर्तियाँ वगैरह, तो फिर काफी सामान इसमें से हटा दिए थे। ये देखिए बाद में मैंने जैकेट जींस वगैरह सब कम किए। अभी मैंने दवाइयों का पत्ता खोला, अभी दवाइयाँ तो ज़रूरी है, कपड़े तो कम ज़्यादा एडजस्ट हो जाएगा पर दवाइयाँ वहाँ जहाँ पर, आजकल दवाइयों का ऐसा ही हो गया है कि जहाँ वहीं पर मिलती है, तो मुंबई वगैरह में मेरी जो दवाई है वो नहीं मिलती तो फिर वो स्टॉक पर ले जाना पड़ता है मुझे ज़्यादा जाओ तो ये मेकअप किट में ही अभी रख ली हूँ। वहाँ जाने के बाद सब ड्रॉअर वगैरह में रख दूँगी। अभी इधर मैंने ये मेकअप किट रख लिया है, ये मॉइस्चराइजर वगैरह, ये नेहा ने पर्स, उसका पर्स यहाँ रखा हुआ था तो वो, राया का बूट है वो, ऐसे सब मैंने सामान रख लिया।
फिर अभी एक में तो पूरे खाने का ही सामान रखना पड़ेगा, एक पर्स ब्लैक वाला, उसमें मैंने पूरे खाने का सामान ही रखा है। देखिए आज का दिन तो इतना, मैं अभी नाश्ता लेने के लिए शारदा गृह उद्योग गई, तो वहाँ पे भी जैसे राहुल को लहसुन का चूड़ा, गुजिया ये सब पसंद है, तो वो कुछ भी नहीं मिला। फिर जो मिला वही मुझे करके आई, मेरे को मिला ये चकली, ये चकली का पैकेट मिला, ये आटा बिस्किट अच्छा है बहुत, तो ये 2 पैकेट ले लिया। देखिए ये सब ट्रेन में जा रहे हैं, मेरा सामान। हमारी ट्रेन लेट पे लेट लेट पे लेट होते जा रही थी, स्वाति को लेकर गई थी, उसको भी हल्दी कुमकुम में जाना था, पर ट्रेन लेट पे लेट होते 9 बजे करीब आई। फिर स्वाति मुझे बैठा करके फिर चली गई, ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। ओके गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।